न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। रामपुर रायघाटी पिछड़े हुए क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल बड़ी आनबान और शान के साथ चल रहा है, जिसके प्रबंधक मास्टर राजकुमार एक गरीब घराने से हैं और उसके स्कूल में लगभग 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि सही तरीके से बैठाने के लिए जगह भी नहीं है। उसके बावजूद भी अभिभावक इसी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं। उनका कहना है कि राजकुमार और उनकी पत्नी को मेहनत बच्चों पर कर रही है, वह किसी और स्कूल में नहीं देखा गया और इस स्कूल के अंदर समय समय पर दस्तकारी का कार्य भी सिखाया जाता है और फिल्म कलाएं भी सिखाई जाती है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वहीं मास्टर राजकुमार ने होली के मौके पर अपना समस्त स्टाफ और क्षेत्र वासियों और गाँव वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बोली और कहा कि अब की बार होली खेलों से मनाएं, गुलाल तथा रंग इस्तेमाल न करें और भाईचारे के साथ अपनी होली को मनाए। आर एस पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती आरती देवी, प्रबंधक राजकुमार सहाय। आर एस का नाम आर ए पब्लिक स्कूल, ग्राम रामपुर रायघाटी, लक्सर जिला हरिद्वार। मास्टर जी, आपके स्कूल का क्या नाम है और क्या क्या यहाँ पढ़ाई पढ़ाई जाती है आपके स्कूल में? सर, स्कूल का नाम आर ए पब्लिक स्कूल रामपुर रायघाटी, और स्कूल में जो है अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है और बच्चों को हम ड्राइंग वगैरह सिखाते हैं और जो त्यौहार वगैरह आते हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है फिलहाल, उसके बारे में हम अपने बच्चों को सख्त समझा रहे हैं कि बच्चों कैसे कोरोना वायरस से बचना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए, उसके बारे में बताया जा रहा है सभी बच्चों को डेली और प्रति। अच्छा मास्टर जी, इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ लक्ष्य कार्य भी सिखाया जाता है क्या? जी सर, जैसे ड्राइंग बनाना, बच्चों को पेंटिंग वगैरह, खेल भी सिखाते हैं, जैसे कबड्डी वगैरह, खो वगैरह, और बच्चों को जैसे जो कॉपी पाट दे बच्चे उसका शुद्ध उपयोग करना, कॉपी का बाद में जो पेज का उसका उपयोग करना, उसे डिजाइन बनाना, कॉपी के पेज का डिजाइन बनाना, ऐसे वगैरह अगर कुछ सिखाते हैं। जी मैम, आपके स्कूल का क्या नाम है? ये रामपुर रायघाटी में है, तो आप थोड़ा बच्चों के बारे में बता पाएंगे क्या क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे नर्सरी से लेकर 5 तक क्लासेस चलती है और सबसे पहले यहाँ पे गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं बच्चों से, प्रार्थना के बाद फिर क्लासेस चलती है और मतलब जैसे पूर्व भी लाना पढ़ाना ये सभी कार्य करवा जाते हैं यहाँ पे। कितने टीचर हैं आपके यहाँ? टीचर यहाँ पे 4 हैं। इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाई जाती है?